ऑफ द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? असर्शन रीजनिंग हो गए, एमसीक्यूज हो गए, या केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। तो जैसे आपके पेपर का फॉर्मेट है हम वैसे डिस्कस करते हैं। यू आर हैविंग फर्स्ट दिस ओनली चैप्टर इन योर सिलेबस फॉर टर्म वन, ठीक है? एक चैप्टर है, ये डिवाइड करके बता देंगे। सेपरेशन टेक्निक्स जो है वो आई थिंक बाद में आएंगी, और एक चैप्टर जो आगे वाला है वो पहले आएगा, ठीक है? तो ऐसे डिवीजन है इसकी। चलिए राइट डाउन, you have to tell which of the properties about the colloidal solutions they are correct, theek hai? note down, a colloid is a homogeneous mixture, beta yes nahi karna, just write down and give me the answer. The first is homogeneous mixture, abhi answer complete thodi na hua mera question. Second is the size is too small to be seen by naked eye, size is too small to be seen by naked eye. The third one is colloids are big enough to scatter a beam of light, colloids are big enough to scatter a beam of light and show Tyndall effect. Only 3 points are there, and your options are, options bhi to sun lo, pehle hi bolne lag gaye ho. आप तो अकेला 3 कह रहे थे, आप तो अकेला 3 कह रहे हो, फिर अब कैसे करें? Who will tell why 2 and 3? Panika, why 2? इसमें पॉइंट लिखा है साइज इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेक्ड आई, देख सकते हो आप नेक्ड आई से? नहीं देख सकते ना, ठीक है? तो दिस पॉइंट इज राइट, जब वो सेटल करते हैं वो सेंट्रीफिकेशन से सेटल डाउन करते हैं, अदरवाइज वी कांट सी, ठीक है? सो थर्ड पॉइंट तो है ही क्लियर है, राइट? दैट दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, सो योर करेक्ट आंसर इज 2 and 3. ओके, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन. An emulsion is a colloidal solution. An emulsion is a colloidal solution formed by mixing. An emulsion is a colloidal solution formed by mixing. Write down the options. An emulsion is a colloidal solution formed by mixing two miscible liquids, any two liquids, two miscible liquids, any two liquids, any two gases, any two gases, or two immiscible liquids.
टू इमिसिबल लिक्विड्स. एनी एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और मिल्क, मेडिसिन, ठीक है, ब्लड. तो इन सब में जो दोनों चीजें हैं वो अलग अलग हैं. एक्चुअली दे आर फॉर्मिंग द हेट्रोजीनियस फेज बट दे अपीयर टू अस एज द होमोजीनियस. ठीक है, तो इसीलिए कोलाइड्स में एमल्शन की एग्जांपल है. एमल्शन भी ऐसे ही बनते हैं. ऑयल एंड वाटर इज एन एमल्शन. ठीक है, मिल्क है, मिल्क में वाटर और जो फैट्स हैं आपके वो भी एमल्शन बना रहे हैं. ओके, हाँ, फेस क्रीम मेडिसिन आपको बताए थे उस दिन. मेडिसिन को भी आप कई बार क्या होता है, जो लिक्विड लिक्विड पार्ट है वो ऊपर रह जाता है, थोड़ा हैवी डेंसर पार्ट जो है वो नीचे बैठ जाता है, फिर आप उसको शेक करते हो ना, दैट मींस वो तो दोनों चीजें हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, वो अलग अलग हैं. ओके, दैट एक्चुअली सेटल डाउन व्हेन दे आर केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम. ठीक है, तो दो इमिसिबल लिक्विड हैं जो अलग अलग आपको नजर आते हैं. राइट, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन. Which of the following will show Tyndall effect? Sugar solution. Which of the following will show Tyndall effect? Sugar solution. Write down the B option. Sodium chloride. Third option, starch. Fourth option is copper sulfate solution. हाँ जी, लास्ट डेक्स बोलिए बेटा, इसमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा? हाँ, शुगर सॉल्यूशन कर जाएगा बेटा, बाकी नहीं बोलेंगे. जस्ट रेज योर हैंड. शुगर सॉल्यूशन, ही इज सेइंग शुगर सॉल्यूशन. हाँ जी, लास्ट सेकंड डेक्स बेटा, आप बताइए. Which of the following it will show Tyndall effect? Who will tell firstly what is Tyndall effect? Last Dex? Last, sorry, last pe baithe hain. Haan ji, last Dex? What do you mean by Tyndall effect, beta? Haan ji, Milan, bolo. Pass through a hole. Achha, hole. We can see the dust particles. Okay, so it is basically the scattering of the light whenever it passes through a colloidal or suspension solutions. ठीक है, तो ऐसे solutions लेने हैं हमने जो क्या कर सकते हैं, that are having the particle size large and they can scatter that beam of light. अब मुझे ये बताओ last dex, इसमें से NaCl, sugar, starch और copper sulfate में से homogeneous mixtures कौन से हैं? स्टार्च होमोजीनियस है, शुगर होमोजीनियस है. अच्छा, ये होमोजीनियस हो गया. NaCl बेटा, NaCl भी होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस हो गया. अच्छा, स्टार्च होमो है कि हेट्रो है? हेट्रोजीनियस है. कॉपर सल्फेट हेवन बेटा, मास्क ऊपर करो अपना. हाँ जी, ये होमो है, ये भी हेट्रो हो गया, ये भी हेट्रो हो गया. बेटा मुझे एक बात बताओ, जब आप वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व करते हो, क्या आपको नजर आता है सॉल्ट कहाँ है? तो वो कौन सा मिक्सचर होमोजीनियस नहीं है? पानी में शुगर मिक्स कर रहे हो, नजर आएगा कहाँ पर है? तो होमोजीनियस है. कॉपर सल्फेट में वाटर मिक्स करते हो, क्रिस्टल्स नजर आएंगे सेपरेटली, दैट इज आल्सो होमोजीनियस. स्टार्च इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, जहां पर जब आप स्टार्च का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो तो जो स्टार्च है बीइंग हैवियर वो नीचे बैठ जाती है, उसको हमें कॉन्टिन्यूसली शेक करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं होती है स्टार्च की वाटर में. सो दिस फॉर्म्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एंड टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एंड नॉट बाय द होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस में आ जाते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, इसीलिए जो ट्रू सॉल्यूशंस है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते. सो योर करेक्ट आंसर इज स्टार्च. ठीक है जी, योर करेक्ट आंसर इज स्टार्च. राइट डाउन द नेक्स्ट वन नाउ.
और बोलना नहीं है, ठीक है, जस्ट रेज योर हैंड्स. व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज अ जेल? व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज अ जेल? कोलाइड, एमल्शन, कोलाइड, एमल्शन, मिक्सचर और सस्पेंशन. जस्ट रेज योर हैंड्स. कोलाइड, एमल्शन, मिक्सचर और सस्पेंशन. जस्ट रेज योर हैंड्स बेटा. हाँ जी लवलीना. कोलाइड. हेवन. कैसा कोलाइड है बेटा ये? जेल में डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम कौन से होते हैं बेटा? व्हाट आर द डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्शन मीडियम इन द जेल? हाँ जी पुत्र बोलो. सॉलिड. डिस्पर्स्ड फेस कौन सा है? डिस्पर्स्ड फेस इज लिक्विड एंड डिस्पर्शन मीडियम. इज इट राइट? जेल में ज्यादा पार्ट कौन सा नजर आता है आपको? लिक्विड नजर आता है तुम्हें? जेली खाते हैं हम? जेली खाते हो ना? जेली में कौन सा पार्ट ज्यादा है? हाथ में लेते हो उसको, क्या वो पानी की तरह होती है? किस फॉर्म में होती है? सॉलिड की फॉर्म में. तो डिस्पर्स तो ठीक तो लिखा बेटा. डिस्पर्शन मीडियम में सॉलिड एंड डिस्पर्स फेस इज लिक्विड. ठीक है बैठिए. ओके चलिए नेक्स्ट राइट डाउन. द साइज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. The size of colloidal solution is in the range of, the size of colloidal solutions is in the range of, your first answer is 1 to 100 nanometer. Second option is 100 to 1000. C option is 10 raised to power minus 5 to 10 raised to power minus 7. And the D option is 10 raised to power 7 to 10 raised to power 9 nanometer. हाँ जी ये सारा नैनोमीटर. 10 raised to power minus 5 to 10 raised to power minus 7 nanometers. अच्छा ये नैनोमीटर्स में है सारा आंसर आपका. अच्छा मुझे तीनों का बताओ. टू सॉल्यूशन का साइज कितना होता है? 10^-9 किसमें? अरे यूनिट. 10^-9 मीटर. सस्पेंशन का? सस्पेंशन का इट इज मोर देन 10^-7. आगे क्या लगाऊं? कोलाइड्स का बिटवीन इन दोनों के 10^-7 to 10^-9. अब आपने मुझे जो जो वैल्यूज दी हैं वो किसमें दी हैं? मीटर्स में. अब ये भी कन्वर्जन याद रखनी है डैट 10^-9 मीटर इज 1 नैनोमीटर. तो ये वाला कितना हो गया है? अगर मैंने 10^-9 को -7 में कन्वर्ट करना है तो साथ में दो जीरोस आ जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा. तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर?
So that is 1 to 100 nanometer. फिर से ये ऑप्शन में लिखी थी आपने, पर यूनिट्स नैनोमीटर में है, आपने देखने पड़ेंगे कन्वर्जन्स देख के. राइट डाउन द नेक्स्ट वन. ठीक है जी, राइट डाउन द नेक्स्ट वन. ब्रास कंटेन्स ये आपको उसमें भी डाला था मैंने, असाइनमेंट में भी. Brass contains silver and zinc. First option, silver and zinc. Copper and silver. Second option, copper and zinc. Just raise your hands. Gold and copper. Anji, इधर से last third X. लास्ट थर्ड एक्स बोल दो बेटा. ब्रास किस किस का मिक्सचर होता है, कौन कौन से मेटल्स का? BRASS ब्रास. ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ विच मेटल्स बेटा? वही बोलो उसको, ऑप्शंस बोलो. सिट डाउन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन. सॉल्यूशंस विद लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स आर कॉल्ड concentrated solutions, dilute solutions, saturated or super saturated. Solutions with low concentration of solutes are called concentrated solutions, dilute solutions, saturated or super saturated. Achal, सोचो, बोला तो है दो बारी, क्या रिपीट करूं अब? सॉल्यूशंस विद लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स आर कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशंस, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड. फर्स्ट एक्स डाइल्यूट. हाँ जी, और कौन है डाइल्यूट वाला? लास्ट एक्स क्यों डाइल्यूट है? बैठिए बेटा. हाँ जी, वाई डाइल्यूट? आंसर भी तो दो, जस्टिफिकेशन. तूने हैंड रेज किया बेटा. लास्ट सेकेंड, व्हाट इज योर आंसर? डाइल्यूट, कंसेंट्रेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड? इतना टाइम जिसमें लो कंसेंट्रेशन होती है सॉल्यूट की, वो कौन से सॉल्यूशंस हैं? दे आर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस. कंसेंट्रेटेड में हाई कंसेंट्रेशन हो जाएगी, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड भी हम हाई कंसेंट्रेशन में बनाते हैं, ऐड करते जाते हैं जब तक उसमें एडिशन हो रही है. ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशंस दैट आर एक्चुअली हैविंग लेस कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. नाउ राइट डाउन which of the following statement is correct. You have to tell which of the following statement is correct. A pure substance must contain, hanji, okay, a pure substance contain only one type of atom. इसमें से आपने करेक्ट बतानी है. प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम.
राइट डाउन द सेकेंड वन, सेकेंड ऑप्शन लिखिए. अ मिक्सचर कंटेनिंग टू कंपाउंड्स मस्ट बी हेट्रोजीनियस. अ मिक्सचर कंटेनिंग टू कंपाउंड्स मस्ट बी हेट्रोजीनियस. जिसने आंसर देना है सारे पॉइंट्स को स्पेसिफाई भी करना है, एक्सप्लेन भी करके बताना है क्यों कह रहे हो. चलिए नेक्स्ट. अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर मस्ट कंटेन एटलीस्ट थ्री एलिमेंट्स. अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंटेन्स एटलीस्ट थ्री एलिमेंट्स. द लास्ट वन, होमोजीनियस मिक्सचर मस्ट बी यूनिफॉर्म. होमोजीनियस मिक्सचर मस्ट बी यूनिफॉर्म. जस्ट रेज योर हैंड्स. करेक्ट है बेटा, बस एक ही बाकी. बाकी बच्चे एक करेक्ट है. बच्चा स्पेसिफाई भी करना सारा एग्जाम. चलो बताओ बेटा, एक्सप्लेन करने हर एक पॉइंट क्यों नहीं है या क्यों है. हाँ सारे बाय. चलो फर्स्ट वाला बताओ. प्योर सब्सटेंस इज वन टाइप ऑफ एटम. फर्स्टली अकॉर्डिंग टू यू इज दिस करेक्ट और नॉट. दिस इज करेक्ट वत्सल. हाँ ना, क्या कह रहे हो. चलो पढ़ो बैठ के फिर. ईवा ए इज द करेक्ट आंसर. ओके आप डी कह रहे हो. ओके वन वोट फॉर ए एंड वन वोट फॉर डी. बी डी. टू फॉर डी, थ्री फॉर डी. डी ऑप्शन. अच्छा अब जो डी कह रहे हैं वो स्पेसिफाई करेंगे व्हाई नॉट ए. चलो रमनीक व्हाई नॉट ए. ए क्यों नहीं. प्योर सब्सटेंस इज वन टाइप ऑफ एटम. क्यों आपने इसको चूज नहीं किया है. ये भी तो करेक्ट हो सकता था. हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस जो है वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए. हाँ वही बोल रही हूँ मैं, ए की बात ही कर रही हूँ. ए और डी दोनों लगते हैं बट आपने डी चूज किया है. वाई. हाँ जी पनिका. वो हो गया ये वाला. बताओ वन टाइप ऑफ एटम वाला. अच्छा अगर मैं शुगर ले रही हूँ और एक तरफ मैंने सॉल्ट लिया, उन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो क्या वो प्योर सब्सटेंसेस में आएंगे. प्योर सब्सटेंस यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं वो प्योर सब्सटेंसेस में नहीं आएंगे. मुझे ये बताओ पहले. शुगर का सॉल्यूशन ले लिया, शुगर और सॉल्ट. सॉल्ट किससे बना. NaCl से बना. एक सोडियम है और एक क्लोरीन है. दो अलग अलग एटम्स हैं, दोनों मिक्स हो रहे हैं. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस है उसमें दो चीजें, जो दो चीजों की हम मिक्सिंग कर रहे हैं दैट शुड बी इन प्योर फॉर्म, जिससे वो बना हुआ है. ओके दैट डजंट मीन कि उसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स हैं. जैसे शुगर है, शुगर के जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे प्योर फॉर्म में होने चाहिए. वो मिलके आपको क्या दे रहे हैं, एक सब्सटेंस दे रहे हैं दैट इज प्योर इन इटसेल्फ. ओके तो दैट इज नॉट कंपल्सरी कि जो प्योर सब्सटेंस है उसमें एक ही चीज के एटम्स होने चाहिए या एक ही तरह की चीज होनी चाहिए. दो चीजें मिक्स होके भी आपको क्या दे सकती हैं, प्योर सब्सटेंसेस दे सकती हैं. मैं शुगर की अच्छा सॉल्ट की बात कर रहे हो आप. सॉल्ट में भी तो दो चीजें कंबाइन कर रही हैं, सोडियम है क्लोरीन है.
शुगर एंड सॉल्ट तो फिर वो होमोजीनियस बन जाएगा ना, वो तो अलग एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, मिक्सचर बन जाएगा वो, तो वो प्योर नहीं है। मिक्सचर बन गया, मिक्सचर तो वैसे ही प्योर नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ जी, राइट डाउन द नेक्स्ट वन। इसका आंसर फोर्थ है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर मस्ट बी यूनिफॉर्म। ओके, इफ वी हीट आयोडीन, इफ वी हीट आयोडीन, इज इट अ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, नो चेंज, और नन ऑफ दीज? इफ वी हीट आयोडीन, इफ वी हीट आयोडीन, इज इट अ केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, नो चेंज, और नन? मास्क पहनो बेटा, वही एक दो बच्चे आंसर्स देने वाले हैं, बाकी बाकियों ने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ बेटा। हाँ जी ईवा, कौन सा चेंज लगता है आपको? नो चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, और नन? नो चेंज। केमिकल चेंज, ओके। लवलीना, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। पनिका, नो चेंज, फिजिकल चेंज, नो चेंज। वत्सल, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। अच्छा, व्हेन यू स्टडी अबाउट द सब्लिमेशन प्रोसेस, जस्ट टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन? व्हेन अ सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस इनटू, सो द कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। और कौन कौन सी आप एग्जांपल्स देते हो? आयोडीन, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नहीं है, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। आयोडीन आया तो सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, देयर इज जस्ट अ कन्वर्जन ऑफ द स्टेट, सो दैट्स व्हाई दिस चेंज इज फिजिकल।